तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास टेंथ में बच्चों, और चल रही थी प्रश्नावली 5.2। इससे पहले 5.2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर दिए हैं और सभी के वीडियो बच्चों पढ़ी होंगे, लिंक जाके देख सकते हैं बच्चों डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 से बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं बच्चों। लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। सुब्बा राव ने एक वर्क स्टार्ट किया 1995 में और उनकी सैलरी जो थी वो कितनी थी, 5,000 रुपये थी बच्चों। एंड रिसीव्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 इन ईच ईयर, मतलब 200 रुपये क्या है हर साल बच्चों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किस ईयर में इनकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो बच्चों इन 1995, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देना सब बच्चे, इन 1995 में बच्चों एनुअल इनकम कितनी है बच्चों, एनुअल इनकम वो है 5,000 रुपये। अच्छा फिर 1996 में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा 200 का, तो कहीं ना कहीं 5,000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगी, बताइए जो है ना। इन 1997 में कितनी इनकम हो जाएगी बच्चों, बताइए 5,400, क्योंकि 200 की इंक्रीमेंट हो रही है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो इनकम पहुंच गई है वो 7,000 पहुंच गई है। 5,200, 5,400, डैश 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 क्या हो गया 7,000। बोला है इन विच ईयर, किस ईयर में इनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान समझना, जो 1995 था तो उस समय 5,000 थी, आफ्टर वन ईयर एक साल बाद 1996 में कितनी हो गए बच्चों, 5,200 रुपीज। देखिए एक बात गौर करिए, यहाँ पर ये सेकेंड टर्म है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, लेकिन आफ्टर टू ईयर मतलब इसमें एक ही प्लस हुआ बच्चों। जैसे ये है थर्ड टर्म, लेकिन कितना प्लस हुआ बच्चों, दो प्लस हुआ, देखिए यहाँ पे दो है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, जैसे कैसे समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए कितना है 5,000 रुपीज, डी कितना है बच्चों कितने कितने का इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपये, और लास्ट टर्म क्या है 7,000, ठीक है 7,000। तो एल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की जगह बच्चों कितना लगाएंगे 7,000, ए की जगह 5,000 प्लस एन हम लोग को फाइंड करना है, डी हम लोग को दे रखा है 200। इस साइड ले चलेंगे 7,000 माइनस का 5,000 इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू 200, ये सब्ट्रैक्ट बच्चों कितना हो जाएगा 2,000, और अपॉन भेज देंगे इसको बच्चों बताइए 200। सब सिखाया पहले भी मैंने इस प्रकार से, 00 से 00 क्या कट जाएंगे 2 10 या 20, कितना जाएगा यहाँ पे 10 इक्वल टू में एन माइनस वन, वन इस साइड भेज देंगे तो बताइए कितना जाएगा, एन इक्वल टू 10 + 1 कितना जाएगा 11। तो इसको थोड़ा सा गौर करिए, इसने ये नहीं पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, उसने पूछा कि इन विच ईयर, किस ईयर में हो जाएगी बच्चों। तो आफ्टर 11 ईयर, आफ्टर 11 ईयर, ठीक है आफ्टर 11 मतलब कि इसमें आपको 11 प्लस नहीं करना है, प्लस कितना करना पड़ेगा आपको 10, क्योंकि 1995 में हम लोग की सैलरी स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट टर्म क्या था 5,000, आफ्टर वन ईयर मतलब हो रहा है वन ईयर, लेकिन है ये कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। उसी प्रकार से ये जो टर्म है ये 11th टर्म है ना, 11th टर्म, लेकिन जो ईयर होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों 10, तो आफ्टर नहीं 11th नहीं आफ्टर नहीं, तो देयरफॉर आफ्टर, देखिए जो आया आंसर 11 है, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स, क्यों 10 ईयर्स क्यों, क्योंकि ये 11th टर्म है, तो 11 पे ये हो गया है ना, तो कितने साल बाद हो जाएगा, तो आफ्टर 10 ईयर्स है ना, हर इनकम इज 7,000। तो देयरफॉर 1995 था बच्चों, 10 प्लस करेंगे तो 2005, 2005 में जो इनकम हो जाएगी वो 7,000 हो जाएगी। समझ में आया सब बच्चों को, ये जो n इक्वल टू आप लोग 11 देख रहे हैं, तो 11 मतलब ये समझिए कि 11 ऐड करना है ना,
इलेवेंथ मतलब इलेवेंथ ईयर में हो गई है ये, इलेवेंथ आफ्टर नहीं है, इलेवेंथ में हो गई है, तो आफ्टर कितने 10 ईयर्स के बाद, 10 साल के बाद ये इनकम हुई होगी बच्चों, है ना, 10 साल के बाद ये इनकम हो गई होगी बच्चों, मतलब इलेवेंथ टर्म एक्चुअली में ये है, बट समय कितना हुआ हुआ 10 साल हुआ हुआ बच्चों, तो इसको थोड़ा सा जरूर बच्चों गौर करिएगा बच्चों, ठीक है। तो सिंस इलेवेंथ टर्म इज 7000 देयरफॉर वी कैन से दैट आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद हर इनकम जो सुब्बा राव की इनकम है वो कितनी हो जाएगी 7000, मतलब किस ईयर में 1995 में क्या कर देंगे 10 प्लस कर देंगे 2005 हो जाएगा, मतलब 2005 में जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज़, ठीक है। अगर बोलते हैं इन विच ईयर मतलब किस ईयर में, तो 11th ईयर में हो जाती है चुकी नहीं 7000 बच्चों, लेकिन इन विच ईयर बोला गया मतलब किस वर्ष में, जैसे 1995 में ये थी, 1996 97 में है ना, तो ये बोलते हैं हाउ मेनी ईयर्स कितने ईयर्स में इनकी इनकम हो जाएगी, तो ये सही था 11 में, ठीक है, 11th टर्म में 11th ईयर में हो जाएगी, और आफ्टर 10 ईयर बोल सकते हैं हम लोग 7000 रुपीज, ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बच्चों। तो लिखा है रामकली सेव्स 5 रुपए इन फर्स्ट वीक, ये भी उसी प्रकार से लिखेगा लगेगा बच्चों, जैसे यहाँ पे सेव कर रहे 5 रुपए इन फर्स्ट वीक एंड ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, कितना इंक्रीज करें 1.75 इन द nth वीक, nth वीक लिखा है, tth वीक लिखा है, हर वीकली सेविंग इन 20.75, तो फाइंड एंड, इसमें सिंपल कहा गया nth वीक में इतनी हो गई है तो उसकी कितने एंड की वैल्यू फाइंड करिए बच्चों। तो इन फर्स्ट वीक, लास्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए सब बच्चे, इन फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक में कितनी है 5 रुपए, अच्छा इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितनी हो जाएगी, देखिए बच्चों कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 5 + 1.75 का, तो कितना हो जाएगा 6.75। थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी बच्चों 6.75 है प्लस कितना इंक्रीमेंट हो रहा 1.75, 5, 5, 10, 7, 7, 14, 1, 15 और 6, 1, 7 और 1, 8, 8.5। इसी प्रकार से देयर इन nth वीक में कितनी हो रही है, सॉरी 20.75। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से 5, कितने कितना गैप हो रहा बच्चों 1.75 का, एंड nth जो है nth वीक में कितना हो रहा बच्चों 20.75। तो nth का आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, तो nth कितना दे रखा है 20.75, a की वैल्यू 5, n की जगह बच्चों हम लोग को नहीं पता निकालना है d कितना है 1.75। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू वन पॉइंट या इंटू 1.75, ठीक है। अच्छा 20 में 5 जाकर कितना बचेगा 15.75 इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू 1.75, नीचे भेज देंगे अपॉन में 1.75, तो यहाँ एन माइनस वन, ये पॉइंट के बाद दो नंबर, यहाँ पे भी दो नंबर, तो ये हट जाएंगे पॉइंट से पॉइंट बच्चों, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.575 अपॉन में 1.75 इक्वल टू में एन माइनस वन, ठीक है बच्चों। आप कट करिए देखिए ध्यान से 25 से 25 सिक्सा 150 होता 25 सेवन जा, और ये 25 सिक्सा हुआ 150 कितना बचा 7, तो यहाँ 7 लगा दें 25 3 जा और 7 9 जा, 7 9 जा तो 63 होता है, तो एन 9 इक्वल टू एन माइनस वन, वन उधर भेज देंगे तो n इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 10, मतलब 10th वीक में जो रुपए हो जाएंगे वो 20.75 हो जाएंगे, वो जो 10th वीक में आफ्टर नहीं 10th वीक में हो जाएंगे 20.75। तो ये 5.2% यहाँ पे पूरी खत्म हो गई बच्चों, हर एक क्वेश्चन मैंने लगवाया यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि मैंने छोड़ा हो, ठीक है। तो आप चले आगे बच्चों, अब डालेंगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट हेडिंग, क्या सम ऑफ
एन टर्म्स ऑफ एपी, मतलब अब हम लोग को एन टर्म नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है सम। मतलब जैसे ये एपी दे रखी है, इसका किस प्रकार से हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले समझेंगे इसका फॉर्मूला और उसके बाद समझेंगे इनके क्वेश्चन। तो सभी बच्चे ध्यान से प्लीज देखिएगा किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग पढ़ेंगे बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। सब बच्चे ध्यान समझिए, पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, वो समझ लेते हैं। जैसे आपको बच्चों सब लोग को पता है कि एनथ टर्म, एनथ टर्म को किसे डिनोट करते हैं, पहचान होती है ये। तो एनथ टर्म को आप लोग हमेशा ए एन से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से, कॉमन डिफरेंस को डी से, लास्ट टर्म को एल से, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो सिंपल है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये एनथ, जैसे थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, आर डी, एनथ, ये सब जो होते हैं, एस टी, ये सब जो होते हैं वो ए एन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले ये सबको आइए, ये मैंने पहले पढ़ाया सबको अच्छे से, है ना, हर एक चीज़ बताई बहुत बच्चों नियम से एकदम बताया है बच्चों, तो सब लोग को वहाँ पे आ गया होगा। जो अब बच्चों सम लिख के आए कहीं पे भी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एनथ नहीं लिखेगा यहाँ, सिंपल एन लिख के आएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं एस एन से, किससे बच्चों, एस एन से। आप लोग इसको सिंपल एस ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग एस एन से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं एस भी दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर एस दिया है तो आप लोग एस एन मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे सम ऑफ फाइव टर्म मैंने बोला, तो सम ऑफ फाइव टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, एस फाइव। सम ऑफ टेन टर्म, तो सम ऑफ टेन टर्म मतलब एस टेन हो जाएगा बच्चों। सम ऑफ 51 टर्म, तो सम ऑफ एस 51 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल लगेगा, यहाँ पे एस टी, ये एन टी एच, RD, ये सब में लिखा जाएगा सिंपल सम ऑफ एन टर्म, nth नहीं, सम ऑफ एन टर्म्स। जब nth लिख जाएगा तो फिर वो बात अलग हो जाएगी बच्चों, है ना। तो सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या है, sn होता है बच्चों, ठीक है। कभी भी आप डिनोट करना होगा, सम ऑफ कुछ भी बोल दे कि द सम ऑफ फाइव टर्म इज ये, तो सम ऑफ फाइव टर्म मतलब s5, सम ऑफ टेन टर्म ये, तो s10 इक्वल टू। तो इसको काफी ध्यान दीजिएगा कि सम कभी भी गिवन होगा आपको तो वो किसे डिनोट होगा बच्चों, sn से डिनोट होगा बच्चों, राइट है। कोई भी टर्म होगा सम आपको दे दिया जाएगा और डिनोट करना होगा तो s और नीचे लगा के लिखेंगे जितने भी टर्म का सम दिया जाए या पूछा जाए बच्चों। यहाँ पे जैसे पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ टेन टर्म, तो आपको s और नीचे छोटा सा क्या लिखेंगे, 10, s10 पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सब बच्चों को आ गया, चले अब समझते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। बात करते हैं सम के फॉर्मूले की बच्चों, तो उससे पहले हम आपसे पूछा जाते हैं एपी का फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चों को एपी का फॉर्म तो आता ही होगा, पहले क्या होता है ए, और हमें सम करना है तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, फिर क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी, फिर क्या होता है, ए प्लस टू डी, फिर क्या होता है, ए प्लस थ्री डी, फिर क्या होता है, ए प्लस फोर डी। इसी प्रकार से करते करते लास्ट टर्म क्या होता है, मान लिया एल, ठीक है बच्चों। इसको हमने डिनोट कर दिया एस एन से, मतलब सम निकालना है तो एस एन में, मान लिया कि कितने टर्म है यहाँ पे, एन टर्म है, एस एन इक्वल टू इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। इतना आगे सब बच्चों कोई दिक्कत नहीं, बीच में मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि बिकॉज हमें सम करना था बच्चों, एस एन से लिख दिया क्योंकि हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो होता है वो क्या होता है, एस एन होता है। अब देखिए एस एन को फिर से लिखेंगे यहाँ पे, एक बार एस एन को अगेन लिखेंगे बट उल्टा लिखेंगे यहाँ से बच्चों। देखिए यहाँ पे कितना एल, अच्छा बच्चों इससे यहाँ पे एल है तो इससे पहले यहाँ पर क्या होगा, जरा सोचिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए ए प्लस कितना लिखा है, फोर डी लिखा है, ये लिखा है ना, ए प्लस फोर डी एक टर्म था, इससे पहले क्या आ रहा देखिए, ए प्लस थ्री डी, मतलब ए तो आ ही रहा लेकिन ये चार था तो ये कितना हो गया, तीन। इससे पहले क्या आ रहा है, ए प्लस टू डी, तो एक कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अगर ये एल है तो इसमें पीछे जाएंगे तो एक टर्म कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एल माइनस डी होगा, नहीं होगा बच्चों बताइए। जब एक टर्म पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस डी, और है ना, समझाया था बच्चों को ना, एल माइनस डी, और जाएंगे पीछे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस टू डी, फिर एक और पीछे जाएंगे तो एल माइनस थ्री डी, फिर और जाएंगे तो एल माइनस फोर डी। इसी प्रकार से करते 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 यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बताइए लास्ट में से ए आ जाएगा, क्योंकि ये सब ए प्लस डी, ए प्लस टू डी यहाँ पर सब लिखे गए होंगे बच्चों, ठीक है।
नहीं समझ में आया क्या बच्चों? तो हमने यहाँ तक फर्स्ट टर्म ये लिख दिया और लास्ट टर्म इधर लिख दिया और बीच टर्म यहाँ पे लिख दिए। अब इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड। एसएन और एसएन कितना होता है बच्चों? 2SN होता है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे जितने भी डी हैं सब कट जाएंगे, 2D 2D। देखिए प्लस माइनस है ना, सब सब देखिए यहाँ से प्लस माइनस सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे यहाँ पे। तो बचे क्या? AL AL AL। अच्छा ये हम लोग सम कितने का फाइंड कर रहे हैं? N टर्म्स का। तो A और A कितना होता है? 2A। ये इसी प्रकार से 3A 4A 5A। A कितनी बार लिखा होगा? N बार लिखा होगा ना, क्योंकि A A A कितनी टर्म्स होंगे बच्चों? N बार होंगे। तो A A A कितनी बार लिखा होगा? N बार। से 2A हुआ, 3A 4A 5A 6A 7A, तो कितनी बार हो जाएगा बच्चों बताइए? N A बार हो जाएगा, ठीक है, N टाइम्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसी प्रकार से L 2L 3L 4L 5L हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? N टाइम्स हो जाएंगे, NL हो जाएंगे बच्चों। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आपको बताइए ये चीज़ आई कि नहीं आई? क्योंकि भाई a प्लस ए जैसे दो बार लिखा है तो 2 बार होता है, 3 बार लिखा है तो 3 बार, 4 बार लिखा है 4 बार, 5 बार लिखा है तो 5 बार, कितनी बार लिखा है? n बार। क्योंकि टर्म्स कितने हैं? n, तो सब में a आया होगा, तो a कितनी बार आ जाएगा बच्चों? n टाइम्स आ जाएगा। इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से n कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा अंदर? a प्लस एल। हमें निकालना क्या है? sn, तो 2 को हटाएंगे तो 2sn इक्वल टू क्या बन जाएगा? n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस। तो ये पहला फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर बन गया बच्चों। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला और भी यूज़ करेंगे, इसमें डी वगैरह भी आता है उसके, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी नहीं आ रहा है बच्चों। तो अगर लास्ट टर्म नहीं पता आप लोग को, डी पता है उसकी जगह, तब भी आप निकाल सकते हैं। तो एसएन इक्वल टू एन बाई टू, ध्यान दीजिए ए की जगह ए, क्या आपको एल का फॉर्मूला याद है? पीछे लिखवाया था मैंने एल लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की जगह मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया तो वो लिख दिया, और एन बाई टू और ए प्लस ए कितना आ जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू में sn, sn इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया सब बच्चों को? तो ये दो फॉर्मूले हो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बच्चों, और मेन कॉमनली ये ज़्यादा यूज करेंगे, ये कम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म दे रखा हो, ए पता हो, एन पता हो, तब लगाइएगा बच्चों। लेकिन एल अगर नहीं पता है, डी पता है, तो आप लोग फॉर्मूला ये यूज करिएगा, ठीक है? ए एन डी पता है तो यही, तो अधिकतर फॉर्मूलों में, अधिकतर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, है ना, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए किस प्रकार से बच्चों बने हैं? सब बच्चों को आ गए ना किस प्रकार से फॉर्मूले बनाए गए हैं? तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे बच्चों 5.3 प्रश्नावली पे, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs, मतलब इन सभी APs के हम लोगों को क्या निकालने हैं? सम निकालने हैं बच्चों। 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम लोग को सम निकालने हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट जो लिखा हुआ है बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट लिखा है 2, 7, 12 और कॉमा डैश 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 टू 10 टर्म। दस टर्म का हमें सम फाइंड करना है बच्चों। तो किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं सम? तो समझिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन का मतलब, हमें सम का आ गया है 2, 7, 12 एंड डैश डैश टू 10 टर्म। ये तो समझिए कि 10 लास्ट टर्म है ना, 10 का लास्ट टर्म हो जाएगा, अभी 2, 7, 12 टू 10 मतलब कि 10 टर्म तक फाइंड करना है बच्चों, मतलब ऐसे 10 टर्म तक हमें सम फाइंड करने हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग समझिए यहाँ पर a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर है 2, ये सबको पता ही होगा। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे? 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? 5, ठीक है, डिफरेंस 5 का। कितने टर्म का सम निकालना है? 10, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। ओके बच्चों, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ समझिए बच्चों sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया sn इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला मैंने लिखा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, जैसे n की जगह 10 है तो यहाँ s 10 हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म, n की जगह 10। ओके बच्चों, बाई 2 इंटू 2, a की जगह कितना है? देखिए यहाँ से 2 है, प्लस n की जगह 10 माइनस 1, d की जगह 5। अब 2 से कट कर लेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 10 में 1 या 9 इंटू 5,
यहाँ पर 5, 4, 9 5 जा इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। फिर ऐड करेंगे 45 और 4 कितना होता है 49। फिर इंटू कर देंगे 5 इंटू, बीच में कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 49, 5 9 जा 45, 5 4 का ही लगा 5 4 जा 20 और 24 कितना हो जाएगा 24। तो कितना गया सम बच्चों 2 4 5 सम ऑफ 10 टर्म्स बच्चों। सभी लोगों को आगे समझ में बच्चों बताइए, ए दे रखा था डी दे रखा है, ए इक्वल टू कितना 2 है, डी इक्वल टू 5 है और एन इक्वल टू कितने टर्म निकाला है 10 टर्म का। तो हमने बताया एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, एन की जगह 10 बाई 2 है ना, 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 5। 2 2 जा 4, 10 में 1 गया 9, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 कितना जाएगा 49, अब इंटू कर देंगे 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 2 4 5 हो गया इसका सम बच्चों 10 टर्म का बच्चों, इस सीरीज का 2 7 12 का बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है बच्चों माइनस का 37 माइनस का 33, माइनस 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डैश 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 2 12 टर्म्स। ठीक है, देखिए बच्चों समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर भी हम लोग को सम निकालना है, बस निगेटिव टर्म दे रखे हैं हम लोग को। ठीक है, निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, करना वही हम लोग को। यहाँ पर आप लोग पहले ए बताइए, ए कितना है माइनस का 37, डी इक्वल टू बताइए बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, माइनस का 33 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लिखा है माइनस 37, तो क्या ये प्लस 37 हो जाएगा बच्चों। अब 37 में 33 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 4, 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 4, प्लस का बचेगा ना, प्लस का क्यों बचेगा कि वैल्यू ये बड़ी है बच्चों यहाँ पे और ये इसीलिए प्लस का आएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और इसमें से माइनस होगा तो ये बड़ी वैल्यू, तो इसीलिए प्लस का। जब कभी भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालने में दिक्कत हो तो आप हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे माइनस। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ जब प्लस लगाए वहाँ भी आप लोग क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, जबकि नहीं देख रहे आप लोग यहाँ पे माइनस लगा है और बीच में माइनस होता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एन इक्वल टू कितने टर्म है बच्चों 12 टर्म है बच्चों। ठीक है, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला सबको याद हो रहा धीरे धीरे, फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इन ब्रैकेट, देखिए अंदर सेम ही बस 2a लगा दीजिए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इतना पहले से याद कराया हुआ बच्चों। ठीक है, तो 2a लगा दीजिए, बाकी सब सेम है। एन की जगह बच्चों कितना आ जाएगा 12 बाई 2। ठीक है, 12 बाई 2 आ जाएगा, 2 इंटू ए की जगह बच्चों माइनस का 37 प्लस एन की जगह 12 माइनस 1 डी की जगह बच्चों कितना जगह 4। ठीक है, अब कट करेंगे 2 6 12, अब इंटू करेंगे 2 7 14, 2 3 6 1 7 74, 12 में 1 गया 11 इंटू 4 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 74 में 44 जाएगा तो 4 में 4 हो जाएगा 0 और 7 में 4 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 3, 30 बचेगा यहाँ पे, और 6 इंटू माइनस 30 तो 6 3 जाए 18, लेकिन किसका आएगा वो भी माइनस, क्योंकि 6 3 जाए 18 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है डैट। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो फर्स्ट के सेकेंड क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर दिया, थर्ड और फोर्थ आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि थर्ड वाले क्वेश्चन में डेसिमल है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दे रखा है, तो वो भी मैं बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ तक तैयार कर लीजिए प्लीज़, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से लगाइए, और जितनी बार क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो प्लीज़ फॉर्मूला जरूर लिखिए बच्चों। बहुत से बच्चे फॉर्मूला नहीं लिखते हैं बच्चों, फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्ही लोग को याद होगा बच्चों। ठीक है,
लिखिए। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन करिए, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें तो उसको लिखिए जरूर बच्चों, क्योंकि लिखने से फॉर्मूले बच्चों याद बने रहते हैं। ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले ये दोनों कराएंगे, फिर सेकेंड थर्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, उनको मैं कराऊंगा। फिर इसमें 5.4 ऑप्शनल भी है बच्चों, वो भी करा देंगे बच्चों, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन है तो वो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, बट एग्जामिनेशन के विषय नहीं होता है, लेकिन उसको कराना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट के थर्ड से बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।